भी पहले पहुंचा किसमें? ग्रास होपर में, फिर पहुंचा फ्रॉग में। इसके पास तो कम पहुंचा, लेकिन इसको बहुत सारे ग्रास होपर्स को लाइफ साइकिल में फ्रॉग ने खा लिया। अब वो केमिकल फ्रॉग के बॉडी में बढ़ने लगा। फ्रॉग को खा लिया किसने? स्नेक ने। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है केमिकल, यहां से पहुंच गया स्नेक के पास उसकी बॉडी में, अभी वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर। फिर स्नेक को खा लिया मान लीजिए ईगल ने, ठीक, ईगल ने खाया, तो सबसे ज्यादा कहां वो पहुंचा केमिकल? जो सबसे ऊपर है, टॉप कंज्यूमर है, किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में वो सबसे ऊपर है। अब हुआ क्या, एक केमिकल जो हमने अपने खेतों में कीड़े मकोड़े मारने के लिए यूज किए, और नो डाउट हमें उसका फायदा हुआ कि हमारी जो यील्डिंग कैपेसिटी थी वो अच्छी खासी हो गई, लेकिन अनविलिंगली हमने केमिकल इकोसिस्टम में छोड़ दिया, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल था वो सॉइल में भी गया। खेतों में अगर हम छिड़काव करेंगे तो वो तो मिट्टी में पहुंचेगा ना, तो मिट्टी में पहुंचे तो मिट्टी में रहेगा, जो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है उसको। ग्रेजुअली वो एक ट्रॉफिक लेवल से पहुंच गया टॉप कंज्यूमर के पास। अब इसका नुकसान देखिए क्या हुआ, जब ये मरेगा तो इसको स्कैवेंजर्स वल्चर जो अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका, ठीक ना, वो खाएगा, सड़ी गली चीजों को खाते हैं। इसके कारण क्या हो गया, जब वल्चर के बॉडी में ये सब चीजें पहुंचने लगी तो उसके पास तो सबसे ज्यादा पहुंची। फिर व्हाट हैपेंड टू दैट डीडीटी? इस डीडीटी के कारण जो वल्चर के अंडे थे वो धीरे धीरे जो शेल थी वो पतली होने लगी, पहले ठीक थी। इस डीडीटी का जो हार्मफुल इफेक्ट हुआ कि अंडों के जो कवर थे, शेल्स थे, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, वो पतले होने लगे। तो जब भी वो अंडे देती थी अंडा फूट जाता था। इस फूट जाने के कारण क्या हुआ, वल्चर खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। किया क्या हमने, अपने फायदे के लिए एक ऐसा केमिकल यूज किया जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ग्रेजुअली वो एक ट्रॉफिक लेवल से टॉप कंज्यूमर तक पहुंच गया और फिर स्कैवेंजर ने उसको यूटिलाइज कर लिया और इसके कारण उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। दिस वॉज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है इंक्रीज होना, फिर इसमें बढ़ा आपने मैग्निफाई करना, बढ़ना। तो डेफिनेशन क्या हुआ, इंक्रीज इन नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। ये बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है 11th 12th में बच्चे पर, ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए, वेरी गुड।